नमस्कार गाइस, स्वागत है आपकी हमारी एक नई वीडियो में और मैं हूँ आस्तिक धीमान। एंड अभी हम जा रहे हैं कोस्टा ब्रावा। तो अभी मैंने फिलहाल एक समोसा ले लिया खाने के लिए, रात के 8:30 बजे हैं, तो 8:30 बजने वाले हैं, 8:30 बजे हमारी बस, 8 बजे अभी। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं कोस्टा ब्रावा, लॉर्ड देमार करके जगह है, तो वहाँ जाएंगे। एंड बस की टिकट पड़ी हमें 12-13 यूरो के आसपास एक साइड की, तो हाँ वही 26 यूरो में आना जाना हो जाएगा हमारा। एंड स्टे भी हमें इतने का ही पड़ा है, 26 यूरो का पर पर्सन एक दिन का। तो बस अब आगे शॉर्ट्स आपको कोस्टा ब्रावा के दिखेंगे, चलिए। सर गाइस, आ गए हम कोस्टा ब्रावा के बीच में। सुबह तो नहीं है, अभी 11:30 बज चुके हैं, उठने में हम लेट हो गए। तो अभी हम हैं लॉरेट दे मार में, लाइक कोस्टा ब्रावा तो पूरा कोस्ट साइड है, कोस्ट लाइन है। तो उसके अलावा जितने बीचेज हैं वो कोस्टा ब्रावा के अंदर ही आते हैं। तो हम आए हैं अभी लॉरेट दे मार, एक जगह है उसके बीच पर, काफ़ी सुंदर बीच है, मतलब बहुत क्लीन, आगे आप शॉर्ट्स में देखना। एंड जगह भी बहुत प्यारी है, थोड़ी सी महंगी है। होटल हमने यहाँ पर लिया था वन रूम के, हमने 50 यूरो पे किए, 51 या 52 यूरोस के आसपास। एंड वन स्टार होटल था, बट बहुत क्लीन और बहुत साफ सुथरा था, वन स्टार लगा नहीं, तो मतलब सस्ता वही था। और महंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, तो आप बोल देख ही सकते हो, जगह बहुत प्यारी है। आपको आगे दिखाता हूँ, तो पीछे लोग इतना सुंदर दिख रहा है, जबरदस्त के दूसरे उस पे एंड पे आए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं बीच के अलावा, तो यहाँ पे हमने रात को डिनर भी करा था। एंड डिनर में हमने पिज़्ज़ा एंड स्पेगेटी खाई थी, तो वो कॉस्ट करी थी ऑलमोस्ट 10 यूरो के आसपास का पिज़्ज़ा था एंड 10 यूरो का ही स्पेगेटी थी। तो वो टेस्ट वाइज ठीक थी, मतलब खाने लायक थी, स्पेगेटी टेस्टी थी, पिज़्ज़ा थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, मतलब फीका सा था ज़्यादा, इतना कोई वो नहीं था, टेस्टलेस सा था। सो हाँ, यहाँ पे आके आप खा सकते हो। यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं बीच के अलोंग, ये देख लो आप, यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे मौसम इस टाइम चल रहा है 20 to 25 डिग्री के बीच में, अभी फ़िलहाल का मैं 20 डिग्रीज ही है, तो मैंने जैकेट पहनी हुई है, तो चल रहा है काम। रात को पिज़्ज़ा हमने इस वाले रेस्टोरेंट में खाया था, एंड थोड़ा महंगा है और इतना खास स्वाद टेस्ट था नहीं, इसके आगे वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पे ये पिज़्ज़ेरिया वाला जो पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट है, ये वाला ज़्यादा बेटर है पीछे वाले से, हमने यहाँ नहीं खाया क्योंकि रश ज़्यादा यहाँ पे था, रात को उस पर रश भी नहीं था, हमने देखा ही नहीं, पहले खा लिया फिर बाद में पता चला। अभी हम इस रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने आए हैं, तो वेज में सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ ही मिल रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ 5 यूरोस के हैं, तो हमने 2 प्लेट लिए। या पिज़्ज़ा है वेज में, पिज़्ज़ा सुबह सुबह तो खाने का मन नहीं है। एंड बाकी सी फूड में तो सब कुछ ही मिल जाएगा। Yeah!
कास्टल के ऊपर चढ़ के यहाँ से आता है, अलग ही नज़ारा। तो यहाँ पे एक ट्रैक टाइप है इनके कास्टल के अलॉन्ग, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो आके, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे आ सकते हो। जितना आगे आप बढ़ते जाओगे उतने ही नज़ारे सुंदर होते रहेंगे। और यहाँ पे आ गए हैं पथरीले रास्ते, जहाँ पे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। The birds of the jungle chasing fortune and fame, but Juan is flamingo is no walking the same. Balague de la flauta en banana for fun, es una vida loca en chasing the sun. Guitarra. Rosa with a style and fashion, el ritmo del flamenco is heard to Japan. Embalaje de la flauta en banana for fun, es una vida loca, keep chasing the sun. Oh, Juanito, 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 Juanito. Guitarra. ये हमारे पीछे काफ़ी सारे यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ पे आप आके रह सकते हो। एंड इनका कॉस्ट जो है ये 200 यूरोज पर नाइट से स्टार्ट हो जाते हैं दो बंदों के लिए, तो ये स्टार्टिंग रेंज है। एंड ये सारे प्राइवेट कॉटेजेस टाइप से हैं, रिजॉर्ट हैं। यहाँ पे आके आप सामने देख सकते हो, कितना अच्छा बीच भी है एंड बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ पे आके अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट प्लेस है, बहुत शांत, कोई मतलब ट्रांसपोर्ट, कोई आसपास कोई भी वैसी आवाज़ नहीं आती जो आपको तंग करे। तो बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे आना अगर आपको रिलैक्स करने के लिए आना है। Japan, got inspiration by watching one. When life's getting tough, he's not dropping his bag. One is the guy who walks on one leg. One love, one heart. अभी हमने सारा ये जो लोरेट दे मार का बीच है ऑलमोस्ट घूम लिया, हम दूसरे साइड पे जा रहे हैं अभी। एंड जो हम जहाँ पे भी पीछे गए थे वो भी बहुत सी जगह थी ट्रैक करके हल्का सा, एंड बहुत ज़बरदस्त जगह है, आने वाली जगह है, मतलब वर्थ विजिटिंग। इंडियंस भी काफ़ी हैं यहाँ पे, शॉप्स काफ़ी इंडियंस की हैं। तो हमने सामान उनके किसी शॉप पे रखा, हम गए बाई चांस वो पंजाबी निकले, तो उनके शॉप पे हमने सामान रखे। वो भी हमारा जो होटल था वो संडे को बंद होता है, तो उन्होंने 12 बजे के बाद बोला था कि आप सामान को आपको निकालना ही पड़ेगा एंड चेकआउट करना पड़ेगा। एंड इस तरफ भी सेम ही है, आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ अभी मैं। Pero but in fact is a flamingo coming to Havana and reason Puerto Rico on a pirate ship, he don't know where do we go. The birds of the jungle chasing fortune and fame, but Juan is flamingo is no walking the same. Balague de la flauta en banana for fun, es una vida loca en chasing the sun. And yeah, right side mein ek club bhi hai, Zoo La Bohemia, Bohemia. एंड लेफ्ट साइड में आपको सामने देखो तो सबवे भी दिख जाएगा, उस पर फ़िलहाल बंद लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। आधी चीज़ें इसलिए भी बंद है यहाँ पे क्योंकि अभी
सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो लाइक अभी विंटर्स ख़त्म हो रही हैं यहाँ पे, तो अभी है लोग कुछ स्टार्ट हो गया है ना, बट अभी कहता कि और आएगा तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी तो खाली है, ठंडे है आज, तो बाकी चीज़ें तो बंद ही हैं, मतलब शॉप्स बंद है, बाकी तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, शॉप्स हो गई, बाकी जो सारा बीचेस के आसपास होता है शेक्स टाइप एंड रेस्टोरेंट्स बार वगैरह। अभी ये देखो, ये एक बार है, स्पोर्ट्स बार है ये। जिन लोगों को गोवा वगैरह जाना पसंद है एंड वो किसी बाहर कंट्री में आके घूमना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत सही जगह है। अब हम बस स्टैंड जा रहे हैं फिर से, तो बस स्टैंड से वापस बार्सिलोना की बस लेंगे एंड बार्सिलोना यहाँ से 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे हम। देखते हैं बस कितने बजे मिलती है, वही 12-13 यूरो की बस मिलेगी हमें, तो चलते हैं वापस अब बार्सिलोना। एक दिन काफ़ी है अगर, मतलब ठीक है एक दिन कम है, बट 2 दिन होते हैं, 2 दिन से ज़्यादा भी कुछ नहीं है यहाँ पे देखने वाला, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे एंजॉय करते हो। वो सामने बर्गर किंग एंड मैकडोनल्ड्स एक साथ ही है,